वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मोस्ट वेलकम इन दिस इंग्लिश बुक रीडिंग सेशन। लेट अस पार्टिसिपेट इन इट। लेसन 8 नेम्ड द काइंड किंग। इन हिंदी इट मीन्स दयालु राजा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग इन एंशियंट इंडिया। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक राजा थे। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड काइंड। वे काफ़ी साहसी और दयालु थे। वो काफ़ी बहादुर और दयालु थे। ही वन मैनी स्टेट्स एंड एस्टैब्लिश्ड ए वास्ट किंगडम। उन्होंने कई राज्यों को जीता था और एक साम्राज्य की स्थापना की थी। ही बिल्ट रोड्स फॉर पीपल। उन्होंने लोगों के लिए सड़कें बनवाई थी। देयर वेयर ट्रीज बिसाइड द रोड्स। और सड़कों के बगल में वृक्ष भी लगवाए थे। आप देख सकते हैं, ये सड़क के साइड में आपको वृक्ष दिख रहे हैं। ये वृक्ष हैं जो सड़क के साइड में दिखते हैं। ये देखें, वृक्ष हैं। देयर वेयर ट्रीज बिसाइड द रोड्स। रोड के बगल में वृक्ष थे। ही बिल्ट रेस्ट हाउसेज फॉर द पुअर। और उन्होंने गरीबों के लिए क्या बनाए थे? विश्राम गृह, जिसे रेस्ट हाउस कहा जाता है। तो बहुत सारे रेस्ट हाउस उन्होंने बनवाए थे गरीबों के लिए। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही यूज टू डिस्ट्रीब्यूट गोल्ड क्वाइंस एमंग पुअर पीपुल। और दिवाली के शुभ अवसर पर वो गरीबों में सोने के सिक्का बांटा करते थे, यानी वितरित करते थे। ही हैड ए वाइट एलिफेंट। और उनके पास एक श्वेत हाथी था, यानी ये सफ़ेद रंग का हाथी आप देख सकते हैं। देयर वॉज ए बिग ग्राउंड अम्ब्रेला ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। और उन वो जो इसका जो पिछला भाग है हाथी का, उस पर देखें एक बहुत सारा गोलदार छाता लगा हुआ है। ये गोल, बिल्कुल गोल है, ये छाता लगा हुआ है। द बॉडी ऑफ द एलिफेंट वॉज कवर्ड विथ सिल्क क्लॉथ। और ये जो हाथी का जो ये शरीर है, ये सिल्क के कपड़े से ढका हुआ है। ये सिल्क के कपड़े से ढका होता था। द क्लॉथ एंड द अम्ब्रेला वेयर स्टडेड विथ प्रीसियस स्टोन्स। और ये जो हाथी का जो वस्त्र है ये, और ये छाता, रत्नों से जरा होता था, बहुमूल्य पत्थरों से जरा होता था। आप देख सकते हैं, इसमें ये सब पत्थर लगे हुए हैं, बहुमूल्य पत्थर हैं। इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे रत्न लगे होते थे, जिसे प्रीसियस स्टोन्स या कीमती पत्थर आप कह सकते हैं। देयर वॉज ए बिग राउंड अम्ब्रेला। देन कम टू द पॉइंट, द क्लॉथ एंड द अम्ब्रेला वेयर स्टडेड विथ प्रीसियस स्टोन्स। और छाता और अम्ब्रेला दोनों बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे। सिटिंग ऑन द एलिफेंट द किंग वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वाइंस। और राजा जो थे वो हाथी पर बैठकर अपने सोने के सिक्का को वितरित किया करते थे दिवाली के शुभ अवसर पर। आप देखें, ये सारे लोग सोने का सिक्का लेने के लिए प्रयासरत हैं और राजा इस तरीके से वितरित करते आ रहे हैं। पीपल स्टैंडिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड वेयर टेकिंग क्वाइंस। और रोड के दोनों तरफ लोग इस तरीके से रहते थे और वो राजा से सिक्का प्राप्त किया करते थे। व्हेन द किंग वॉज रिटर्निंग, जब राजा लौट रहे थे, एन ओल्ड मैन केम नियर द एलिफेंट, तो एक वृद्ध व्यक्ति राजा के पास आया। ही स्टोल ए पर्ल फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ द एलिफेंट। और हाथी के वस्त्र में जो पर्ल था, मोती था, उसको वो एक मोती को चुरा लेता है। वो जो वृद्ध व्यक्ति है, ये वृद्ध व्यक्ति है, वो हाथी के वस्त्र में से एक पर्ल चुरा लेता है। वन ऑफ द सोल्जर्स सॉ हिम। तो उनके जो सैनिक थे उसमें से एक सैनिक देख लेता है इस चीज़ को, एंड कॉट हिम, और वह उसे पकड़ लेता है, यानी वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लेता है। द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर टू बीट हिम।
तो राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इसकी पिटाई करो। द ओल्ड मैन वाज सीवियरली बीटन। फलस्वरूप क्या हुआ कि उस जो वृद्ध व्यक्ति था उसको काफ़ी कठोरता से पीटा गया। ही लॉस्ट हिज सेंस। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो अपनी होश खो दिया। जब वह दंडित किया गया, उसे जब पिटाई की गई तो उसके होश उड़ गए। व्हेन ही गॉट हिज सेंस ही वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। और जब उसे होश आई कुछ देर के बाद तो उसे राजा के पास प्रस्तुत किया गया, लाया गया। द किंग आस्क्ड व्हाई डिड यू स्टील। तो राजा ने उससे पूछा तुमने क्यों चोरी की। द ओल्ड मैन सेड। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा माई लॉर्ड आई एम पुअर मैन। कहा कि हे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ। आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वाइंस। यस इट इज़ राइट। तो राजा बोला कि मैं तो वितरित कर रहा था क्वाइंस, तुमने ऐसे क्यों चोरी की। तो वो जवाब देता है यस इट इज़ राइट, हाँ यह सच है कि आप वितरित कर रहे थे। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, एंड वीक, मैं कमज़ोर भी हूँ। आई कुड नॉट गेट एनी क्वाइन। और मैं कोई भी क्वाइन नहीं ले सका, कोई भी सिक्का नहीं ले सका। इन दैट क्राउड, उस भीड़ में मैं कोई भी सिक्का आपका नहीं ले सका। व्हाई डू यू वांट क्वाइंस। एक्चुअली द किंग आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाई डू यू वांट क्वाइंस। उसने, राजा ने पूछा उस वृद्ध व्यक्ति से कि तुम क्यों सिक्का लेना चाहते हो। तो वो जवाब देता है वृद्ध व्यक्ति, आई हैव ए यंग डॉटर टू मैरी। मेरे पास एक जवान लड़की है जिसकी शादी करनी है। आई हैव नो मनी फॉर इट। और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। व्हाट डू यू वांट नाउ। तो राजा पूछता है कि तुम अब क्या चाहते हो। द ओल्ड मैन सेड। तो वृद्ध व्यक्ति जवाब दिया, आई हैव हर्ड अबाउट यू। मैंने आपके बारे में सुना है। यू आर एज मच काइंड एज एंग्री। कि आप उतने ही दयालु हो जितने आप क्रोधित हो। आई हैव ऑलरेडी सीन योर एंगर। और मैंने आपके क्रोध को ऑलरेडी देखा है। नाउ आई वॉन्ट टू सी योर काइंडनेस। और अब मैं आपकी दयालुता को देखना चाहता हूँ। द किंग थॉट फॉर ए मोमेंट। परिणाम स्वरूप राजा कुछ क्षण के लिए सोचते हैं, यानी वो सोचे। ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू गिव ए बैग ऑफ कॉइंस टू द ओल्ड मैन। तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने एक आदमी को कि एक थैला क्वाइंस यानी सिक्का इस वृद्ध व्यक्ति को दे दो। द ओल्ड मैन वेंट फ्रॉम देयर हैप्पी। और उस बैग को लेकर वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से खुशी खुशी चला गया। ही अरेंज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। और उसने अपने बच्ची की शादी की व्यवस्था की। द किंग केम टू ब्लेस द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम। तो राजा वहाँ पर दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए। ही अनाउंस देयर। और उन्होंने वहाँ पे घोषणा की, फ्रॉम टूडे आई शैल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ फॉर द मैरिज ऑफ ए पुअर गर्ल। और उन्होंने घोषणा की आज से मैं अपने समाज के गरीब बच्चियों की शादी की व्यवस्था खुद करूँगा। तो इस घटना से राजा को यह प्रेरणा मिली। इस तरीके से आप देखते हैं हर घटना के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान वहीं पर छुपा होता है जहां पर यह घटना घटित होती है। तो इस कहानी के तत्व को हम प्रश्नोत्तरी विधि से सीखेंगे। आज इस बुक रीडिंग सेशन में आपने इसे पढ़ना सीखा और इसके हिंदी अर्थ को समझा है। अब अगली कड़ी में आप इसके तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि सीखेंगे। इसके लिए आप इंतज़ार करें और इसे श्रवण करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।